हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विद्या राठौर और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हेरिडिटी और एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी को हम हिंदी में आनुवांशिकता कहते हैं और एनवायरनमेंट को हम पर्यावरण कहते हैं। ये टॉपिक हमारे टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हेरिडिटी को हम हिंदी में आनुवांशिकता कहते हैं। तो ये आनुवांशिकता होता क्या है? आनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं? आनुवांशिकता वो सब होता है जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो गुण हमें अपने माता पिता और हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो हमारा दिखना हो सकता है, जैसे हमारे मदर फादर दिखते हैं वैसे ही हम दिखेंगे। अगर हमारे मदर फादर की हाइट अच्छी है तो हमारी भी हाइट अच्छी होगी, अगर हमारे मदर फादर की हाइट थोड़ी कम है तो वो भी कम होगी। मतलब ये कि जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे वैसे ही हम लोग होंगे, जो ट्रेड हमारे मदर फादर में होंगे वही हम लोगों में ट्रांसफ़र होते हैं। जो चीज़ हमें माता पिता से मिलती है वह आनुवांशिकता है, जो चीज़ हमें अपने माता पिता से मिलती है वो क्या होती है? आनुवांशिकता होती है। यह स्थिर होती है। ये कैसी होती है? स्थिर होती है, इसे हम बदल नहीं सकते। अगर मान लीजिए ये हमारा दिखना हो सकता है, जैसे अगर हमारे मदर का रंग फेयर है तो हमारा कलर भी फेयर होगा, और अगर हमारे फादर का कलर फेयर है तो हमारा कलर भी फेयर होगा। हम ये जो आनुवांशिकता होती है स्थिर होती है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। ये हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र होती रहती है और ये समय के अनुसार अपने एक दूसरे के बच्चों में ट्रांसफ़र होती रहती है। जीन द्वारा आनुवांशिक गुणों का संचरण होता है। संचरण मतलब ट्रांसफ़र होता है जीन द्वारा। और ये कौन कौन से गुण होते हैं? ये हमारा दिखना हो सकता है, हमारे बालों का कलर हो सकता है, हमारी बुद्धि हो सकती है। मतलब अगर जैसे हमारे पेरेंट्स की बुद्धि होगी उसी तरह से वो चीज़ हमें ट्रांसफ़र होती है। आनुवांशिकता में 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। आनुवांशिकता में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि कितने गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र 46 होते हैं, 46 होते हैं, जबकि जब हम पेयर की बात करते हैं तो 23 पेयर होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। पेयर जब अगर क्वेश्चन में पूछता है तो 23 पेयर होते हैं, और अगर गुणसूत्र की संख्या पूछी जाती है तो वो 46 होती है। ये चीज़ हमें भूलनी नहीं है। 22 ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब 22 मेल में भी होंगे और फीमेल में भी होंगे, लेकिन जो 22 जो होते हैं वो सेम होते हैं मेल और फीमेल में, लेकिन जो 23वां पेयर होता है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। ये चीज़ हमारा 46वां पेयर डिसाइड करता है। इसमें एक क्वेश्चन साफ तरीके से आ जाता है उसमें कि अगर लड़का पैदा होगा तो वो कौन कौन से क्रोमोसोम से मिलकर पैदा होगा। तो लड़का जो पैदा होता है वो XY क्रोमोसोम से पैदा होता है, और जो लड़की पैदा होती है वो XX क्रोमोसोम से पैदा होती है। इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है, क्योंकि सीधे सीधे आंसर आ जाते हैं। तो जो गर्ल होती है वो XX से पैदा होती है, और जो बॉय होता है वो XY से पैदा होता है। सेक्स का निर्धारण मेल करता है। जिस तरह से, जैसे कि मान लीजिए टू जर्म सेल्स होते हैं, मेल के सेल को हम बोलते हैं स्पर्म और फीमेल के सेल को हम बोलते हैं ओवम। जब ये दोनों सेल्स मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर जायगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जायगोट, जिन्हें हम जायगोट कहते हैं। और हमें ये चीज़ नहीं भूलनी है कि सीधे सीधे जो क्वेश्चन आता है कि अगर गर्ल पैदा होगी तो वो किस कौन कौन से क्रोमोसोम्स होंगे? XX। अगर बॉय पैदा होगा तो वो कौन कौन से क्रोमोसोम्स होंगे? XY। और सेक्स का निर्धारण किससे होता है? मेल से होता है, ना कि फीमेल से होता है। अब चलिए हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो
अनुवांशिकता होती है, जो हमारी हेरिडिटी होती है, वो स्थिर होती है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली होती है। लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है उसे हम चेंज कर सकते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी और एरिया में रहते हैं तो उस चीज़ को आप बदल सकते हैं। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने कुछ गुणों को बदल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये परिवर्तनशील होता है, ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। जो आनुवंशिकता नहीं है वह सब क्या है, वातावरण है। जो हमें आनुवंशिकता नहीं है वो सब क्या है, हमारा वातावरण है। जो जीन नहीं है, जो हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिला है, वो सब हमारा क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण हमारे चारों तरफ के सभी पक्ष, मतलब जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे सारे एस्पेक्ट, सभी पक्षों को शामिल करता है। वो हमारे सामाजिक पक्ष हो सकते हैं, नैतिक पक्ष हो सकते हैं, संवेगात्मक पक्ष हो सकते हैं, सांस्कृतिक पक्ष हो सकते हैं और बाकी के पक्ष हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंट में जैसे हम रहते हैं, अगर कोई भी लड़का है, ठीक है, अगर उसे किसी गंदे एटमॉस्फेयर में रखा जाए तो वो क्या होगा, उसी तरह से बन जाएगा। लेकिन अगर उसे एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखा जाए और उसे अच्छी परवरिश दी जाए तो वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी बच्चा बदल सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चे के लिए एनवायरनमेंट और हेरिडिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इन्वायरमेंट बच्चे को गलत मिलता है, हेरिडिटी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर इन्वायरमेंट बच्चे को गलत मिलेगा तो बच्चा आगे जाकर कुछ भी नहीं कर सकता है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को किसके बारे में, आनुवंशिकता के बारे में बताया था। आनुवंशिकता क्या होती है, जीन होती है, ये स्थिर होती है, इसे बदल नहीं सकते। ये किन किन चीज़ों में होती है, इसका हमें अपने मदर फादर से, हमारी मदर फादर का देखना हो सकता है, मिलना हो, देखना हो सकता है, उनके इमोशनल, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स इमोशनल होंगे उस तरह से हम भी वही बनते जाते हैं। अब आगे की बात करते हैं। ये जो ट्विंस होते हैं वो टू टाइप्स के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक होते हैं फ्रेटरनल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस को क्या और बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। ये सिंगल सेल से फर्टिलाइज होते हैं। कौन से सेल से फर्टिलाइज होते हैं, सिंगल सेल से फर्टिलाइज होते हैं। इसमें सेम होते हैं, सेम सेक्स के बच्चे होते हैं। अगर लड़का पैदा हुआ है तो दोनों लड़के ही होंगे, और अगर लड़की पैदा हुई है तो दोनों लड़की ही पैदा होंगी। ट्विंस तो आप लोग जानते ही हैं कि एक साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम ट्विंस बोलते हैं, और आइडेंटिकल ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। और ये कितने सेल से फर्टिलाइज होते हैं, एक सेल से फर्टिलाइज होते हैं। और जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनका दिखना सेम होता है और इनकी हैबिट्स भी सेम होती हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेटरनल ट्विंस की, इन्हें हम डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। फ्रेटरनल ट्विंस को हम क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। ये दिखने में अलग अलग हो सकते हैं और ये बॉय और गर्ल भी हो सकते हैं। जैसे एक साथ दो बच्चे पैदा हुए हैं तो वो लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, और लड़की लड़की दोनों हो सकती हैं, और उनकी आदतें जो होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। ये दो अलग ओवम से मिलकर बनी होती हैं, किससे, दो अलग ओवा से फर्टिलाइज होती हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे वातावरण और हेरिडिटी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे वातावरण और हेरिडिटी का हम पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हम क्या हैं, वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल हैं। अगर हमें वातावरण अच्छा मिल जाता है और अगर हमारी हेरिडिटी अच्छी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी हेरिडिटी अच्छी है और हमें वातावरण नहीं सही मिलता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चे के लिए दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आई थिंक आप लोगों को हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में डिफरेंस समझ आ गया होगा, और आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो भी इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ बना चुकी हूँ इंग्लिश पेडागोजी की, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा। ओके, बाय एवरीवन।